सो नेक्स्ट हमारा बन रहा है मशरूम, ये मलाई का। सो गाइस अभी इस पे नेक्स्ट लगेगा बटर, आपका अमूल बटर होता है। सो गाइस अभी हम हेल्दी बाइट्स आ चुके हैं यहाँ पर, इनके मैनेजर आपका नाम क्या है? अजय यादव। अजय यादव से स्विगी जोमेटो पे किसी पे है? स्विगी जोमेटो। टाइमिंग क्या है आपका? टाइमिंग 4:30। मतलब कितने 4:30 बजे से रात को 12 बजे? ये कितने साल पुरानी दुकान, मतलब बहुत टाइम हो गया ना इसको? ये भी महावीर नगर में ही है, राइट? बहुत पुरानी दुकान है, मतलब बहुत टाइम से चल रही है। तो आपके पास क्या क्या मिलता है, क्या क्या वैरायटी? पनीर टिक्का, सोया चाप, मशरूम, आलू, पाइनएप्पल। अच्छा, मतलब सब टाइप्स के मिलते हैं, रोज में मिलते हैं, चाप में मिलते हैं। सोया चाप तो दिल्ली का मेन फेमस है ना, मतलब दिल्ली से आप लोग यहाँ पर ऐसे प्लान किया आइडिया करते हैं? पहले हम अमृतसर में चले। अच्छा, अमृतसर में चले। अभी हम क्या क्या बनवाने वाले हैं? अभी आपका सोया मसाला चाप है, सोया मसाला चाप है, मशरूम टिक्का है, पनीर रोल है, और पाइन एप्पल या मशरूम का वो साथ में जोड़ दो। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट। हमारा पहला क्या है? पनीर रोल, मसाला चाप, मशरूम है। ओके, मशरूम टिक्का। सो गाइस ये लोग लाइव बारबेक्यू में से बनाते हैं। लाइक आप कभी बारबेक्यू नेशन करोगे वैसे आपने लाइव फील किया रहेगा। ये पाइनएप्पल, सो कितने देर गर्म होता है? ये 5 से 10 मिनट जाता है इसको, मतलब फ्रेश गर्म करते हैं। आप फ्रेश फ्रेश देते हैं, मतलब कुछ वैसा बना हुआ नहीं रहता? अच्छा, तो यहाँ पर सबसे, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है? अपना ज्यादा करके मसाला और मलाई चलता है। अच्छा, मसाला और मलाई ज्यादा चलता है। आप लोग सब ब्रांडेड माल यूज करते हो? सो अभी हमारा 5 मिनट तक गर्म होगा बटर। सो गाइस अभी इस पे नेक्स्ट लगेगा बटर, आपका अमूल बटर होता है? डिलीशियस। अच्छा, आप डिलीशियस का बटर यूज करते हैं? सोया चाप पे सब पे बटर लगता है, सब पे। इन्होंने हमारे लिए आलू भी ऐड किया है, सो नेक्स्ट आलू भी बनने वाला है। ये मशरूम आप लाइक ब्रांडेड यूज करते हो? कौन सा ब्रांडेड? सब ब्रांडेड रहता है। ये देखो गाइस, आप देख ही सकते हो, लाइक सब फ्रेश बनता है इनके सामने। पनीर में हम रोल बनवाने वाले, बाकी सब हम चाप्स में लगे ओपन प्लेट में लेंगे मलाई वलाई के साथ। ये आलू है, बारबेक्यू, बेबी कॉर्न, सब कुछ है। सो आप लोग मतलब ऐसे एक डिलीवरी सब सब स्विगी जोमेटो सब पे? अच्छा, हेल्दी बाइट, यहाँ पर सब हेल्दी होते हैं, लेकिन मतलब ऐसे होते थे डाइट कॉन्शियस, वो सब भी आ सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट हमारा सोया चाप प्लेटर बन रहा है ना, ये क्या सोया चाप प्लेटर? सोया मसाला सर, सोया मसाला। ये सब पहले कटिंग होता है? ये सोया मेनली होता है किसका, लेकिन बनता किसका है? सोयाबीन का दाना होता है ना, उसका आटा। अच्छा ठीक है, इसका प्राइस क्या है? 130। तो इसमें कितने पीस आते हैं? ऑलमोस्ट 6-7 पीस आते हैं। 7 पीस आते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें अभी नेक्स्ट क्या क्या जाएगा और? एक मिनट। अच्छा ठीक है, साथ में बनते बनते कटिंग करना। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी गर्म है, नेक्स्ट एकदम स्मोकी हो गया है। तो नेक्स्ट इसमें जाने वाला है ये क्या? धनिया जाता है, और क्या जाता है इसके ऊपर? ये कौन सी चटनी आपकी? शेजवान। अच्छा, शेजवान चटनी, बटर, ये नहीं। अच्छा, आपका स्पेशल मसाला है। अब और क्या जाएगा इसके ऊपर? अच्छा, नींबू भी जाता है, लाइक थोड़ा एकदम जूसी रहे वैसा। तो गाइस देख सकते हो, लाइक एक जन आराम से खा सकता है ना इसको? यस। तो गाइस नेक्स्ट हमारी प्लेटिंग होगी, उसमें क्या कहते हैं, ऑनियन देते हो आप लोग, और क्या देते हो? गोभी देते हो, मसाला रहता है इनका। ये चटनी के लिए ग्रीन चटनी देते हो? वाटर ग्रीन चटनी में आपका खुद क्या बना हुआ रहता है ना? अच्छा, अभी ये आ गया हमारा सोया चाप। सोया चाप मेनली दिल्ली का होता है, बट अभी आजकल यहाँ पे मिलने लगा है सब। गाइस ये चीज़ हमारा रेडी है, चलो नेक्स्ट चीज करते हैं। पाइन एप्पल के सबका फ्रेश रहता है, फ्रूट फ्रूट जो भी रहता है। अच्छा ओके, सब इसमें क्या जाएगा नेक्स्ट? इसमें आपके सारे चटनी सॉसेस सब जाएंगे, धनिया जाएगा पहले नेक्स्ट। इसमें चिली सॉस जाता है, बटर और फिर आपका चाप और नींबू जाता है आपका। नहीं। अच्छा फिर हाँ, बहुत ऐसा वो मुँह में फील होता है, काफ़ी जूसेस लग रहा है। तो इसके ऊपर अब जाएगा चीज़, तो ये चीज़ पाइन एप्पल है, चीज़ मसाला पाइन एप्पल। इसका प्राइस है 100 रुपये, राइट? चीज़ के साथ? अच्छा 130, चीज़ के साथ 130, प्लेन लोगे तो 100। तो गाइस नेक्स्ट हमारा पनीर रोल बन रहा है, इसमें पनीर के 3 पीसेस होते हैं, बेबी कॉर्न होता है, कैप्सिकम, कैप्सिकम भी होता है। तो ये किसमें आता है? रोटी में आता है। तो आपकी कौन सी, मैदे की रोटी रहती है कि किसकी? आटे की, नॉर्मल व्हीट आटे की, गेहूँ की रोटी। गाइस देखो पनीर को एकदम अच्छे से स्मैश करते हैं, फिर इसमें नेक्स्ट क्या जाएगा? और कुछ जाएगा इसमें मसाला वसाला? गोभी और
अच्छा गोभी और कांदा लग जाएगा और ये रोटी पे लगेगा, ठीक है। तो ये सब इसमें जाते हैं, लेकिन मतलब एकदम पूरा हैवी रोल रहता है। इसका प्राइस क्या रहता है? 100 रुपीज़ है जी। तो इसमें इतने सब सॉसेज इन्होंने जो सब पहले डाले थे वो सब डाल रहे हैं। ये कौन सा सॉस था? मीठा लाइक चिली सॉस, ग्रीन चटनी, चाट मसाला। तो ये काफ़ी जूसी होता है गाइस। इन्होंने सब ब्रांडिंग यूज़ किया था, अमूल का फ्रेश क्रीम में पड़ा। वो तो क्रीम किस में यूज़ होता है? मलाई। अच्छा मलाई टिक्का। हाँ तो हमारा कौन सा होगा नेक्स्ट? कौन सा मलाई वाला कौन सा बनने वाला है हमारा? एक हमने मलाई में सोचा है ना, कौन सा? मशरूम में मलाई। मशरूम मलाई मशरूम में कढ़ाई है। चलो देखते हैं बच्चों में जो जो बनेगा। अब इसमें जाएगा नेक्स्ट रोटी में बटर जाएगा पहले। ऐसे कुछ तो क्वांटिटी काफ़ी सही डाल रहे हैं लोग। ये कौन सी चटनी आपकी थी? शेजवान। गाइस देखिए आप देख सकते हो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। 100 रुपीज़ के हिसाब से पनीर इतना बेबी कॉर्न ये सब मिल रहा है, तो आप इतना तो बोल ही सकते हो कितना देना। अब इसको रोल करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा बन रहा है मशरूम। ये मलाई में बनेगा ना? मशरूम मलाई। मशरूम देख सकते हो आप गाइस काफ़ी स्मोकी हो चुका है। अब इसमें जाएगा इनका नेक्स्ट, ये पहले इसको छोड़ेंगे। मशरूम गाइस बहुत लोगों का फेवरेट होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है, बट वेजिटेरियन में लाइक अच्छा ऑप्शन है। एक नॉन वेजिटेरियन के पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। वेजिटेरियन के पास पनीर, सोया चाप और मशरूम। नेक्स्ट क्या जाएगा? चटनी जाएगा इनका चिली सॉस। है शेजवान बटर तो देख सकते हो गाइस आप काफ़ी क्वांटिटी में। अब इसमें जाएगा क्रीम, अमूल का क्रीम है गाइस आप देख सकते हो कितना मतलब वो क्रीमी लग रहा है गाइस देख सकते हो। काफ़ी वो ऐसे बोलते हैं एकदम वाटरी हो गया, माउथ वाटरिंग। मतलब एक खाने वाले इंसान को और क्या चाहिए, यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज है इनके पास। मतलब एक पसंद नहीं आया, दूसरा पसंद नहीं आया, तीसरा तो पसंद आएगा ही आएगा वैसे। तो ये हमारा रेडी है, अब इसका प्लेटिंग करेंगे। तो ये हमारा आलू बन रहा है, ये कढ़ाई है ना? हाँ। कढ़ाई आलू। इसमें बेबी कॉर्न है? हाँ बेबी कॉर्न कैप्सिकम। अच्छा ठीक है, इसमें क्या क्या जाएगा? अभी सेजवान आएगा, गार्लिक आएगा, बटर आएगा। तो ये आलू आपका पूरा मसालेदार रहता है राइट? ओके। तो आप लोग बॉयल करते हो इसको कैसे रहता है? ये हाफ बॉयल रहता है। अच्छा हाफ बॉयल रहता है और हाफ तंदूर पे गर्म होता है। हाँ। देख सकते हो मतलब एकदम वो ब्लैक ब्लैक स्मोकी स्मोकी हो चुका है। उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं। फिर अभी नेक्स्ट क्या जाएगा इसके ऊपर? अभी धनिया डालूंगा। अच्छा ओके धनिया जाएगा। चाट मसाला। नेक्स्ट क्या जाएगा इसमें? गार्लिक। शेजवान जाएगा। नेक्स्ट जाएगा बटर। ओके कढ़ाई सॉस। अच्छा इसका कढ़ाई सॉस मतलब आप लोग इसका नाम ऐसे कढ़ाई सॉस बना के रखा है। सो ये क्या एकदम तीखा रहता है, स्पाइसी रहता है? मीडियम स्पाइसी। अच्छा मीडियम स्पाइसी रहता है। अच्छा इसमें नींबू लगे थोड़ा खट्टापन लाने के लिए। आलू में इतना सब तो और क्या चाहिए भाई? ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है ना, लाइक पूरा प्योर वेज है। ऐसे देख सकते हो क्वांटिटी काफ़ी सही लग रही है। इसका प्राइस क्या है? इसका 130। अच्छा 130, ठीक है मैं मेन्यू पे डाल दूंगा। कौन सी है सर? ये आलू कढ़ाई है गाइस, देख सकते हो आप। इनके साथ इन्होंने चटनी दी इनके पुदीने की। गाइस देखो सॉल्ट तो काफ़ी है, लेस टेस्ट। गाइस काफ़ी खट्टापन आ रहा है, उन्होंने नींबू डाला था। चटनी स्पाइसी है। नेक्स्ट टेस्ट विद दिस वन। गाइस काफी टैंगी फील आ रहा है, लाइक सॉफ्ट है, स्पाइसी एंड स्मोकी है। लेट्स ट्राई सेकंड में। ये हमारा पनीर रोल। गाइस देख सकते हो पनीर रोल है। इन्होंने इनकी लाइक वीट की रोटी यूज की है। लेट्स टेस्ट। गाइस गोवन का चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, पनीर है बहुत जूसी है, लेकिन बाइट मारने पर माउथ में ना डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आ रहा है, काफ़ी सही है। भाई नेक्स्ट थिंग है हमारे पास सोया मसाला। सोया चाप दिल्ली का फेमस है, मुंबई में मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स टेस्ट। ये एक्चुअली सोयाबीन के उससे बनता है, आटे से उन्होंने बोला था। मैं काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम मिल्की फ्लेवर आ रहा है। लेट्स टेस्ट विद द ऑनियन। गाइस क्वांटिटी भी काफ़ी सही है, लाइक आप देख सकते हो दो जन आराम से टेस्ट करके खा सकते हैं। तीनों में अब तक सबसे ज़्यादा शौक सोया चाप लगा है।
नेक्स्ट में हमारी चीज पाइनएप्पल बारबेक्यू, उसमें डिफरेंट चीजें ट्राई करते लोग, बट पाइनएप्पल एक बहुत रेयर होता है, एक बारबेक्यू नेशन ये सब जगह पे भी हमने देखा रहेगा। क्रीमी स्वीटी जूसी तीनों फ्लेवर साथ में आ रहा है, लेकिन रात को खाना खाने के बाद आने का मन करे तो ये खा सकते हो आप लोग। काफी सही है। लास्ट हमारा मलाई मशरूम, इसमें उन्होंने उनकी अमूल की क्रीम, इसकी ब्रांडिंग लाइक प्रॉपर है। लेट्स डिश गाइस, मशरूम में क्वालिटी में बहुत लाइक बहुत लोग कंजूस ही करते हैं, बट इनकी क्वालिटी भी उन्होंने बोला बहुत सही है। यार बाइट मारते ना पूरा मुंह में सब पिघल रहा है। लेट्स डिश बेबी कॉर्न है अगेन, मेरे को ये भी बहुत सही लगा। गाइस काफी सॉफ्ट है, सच्ची बोलूं मेरे को ये और एक सोया चाप बहुत सही लगा। लाइक मेरे टॉप पे अगर मैं सजेस्ट कभी भी करूँगा आके ना, मशरूम एंड सोया चाप ये दोनों आप कंफर्म ट्राई करना। चटनी भी काफ़ी टैंगी है, एकदम चीजी फील दे रही है।